Hello students, today our topic for discussion is Economic Reforms of 1991 or New Economic Policy 1991. Economic Reforms of 1991 or New Economic Policy 1991. Dear students, 1991 के अंदर हमारे देश की सरकार ने देश के लिए नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी. उस समय हमारे देश के अंदर मेजर स्केल के ऊपर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे. तो ऐसा क्यों हुआ उस समय, उसके 1991 तक हमारे देश के आर्थिक हालात कैसे थे, उस समय देश का हम कहते हैं कि आर्थिक बैकग्राउंड कैसा था. 1991 तक आते आते हमारा देश जो है एक बहुत मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर आ चुका था. हमारी जो इकोनॉमी है वो एक ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो फेस कर रही थी. उस समय 1991 तक आते आते हमारे जो सरकार है, हमारे देश की जो सरकार है, उनका जो फिस्कल डेफिसिट है, गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब हिंदी हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा, दैट हैज़ बीन रीच्ड टू द लेवल ऑफ 6.6% ऑफ GDP. 1991 तक आते आते सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट था, राजकोषीय घाटा था, वो टोटल GDP का 6.6% के लेवल तक पहुँच चुका था. हमारे देश के ऊपर विदेशी कर्जे बढ़ रहे थे और जो इंटरनल डेट थे हमारे देश के वो टोटल GDP का अप्रोक्सीमेटली 50% के लेवल तक पहुंच गए थे, जिनके सिर्फ ब्याज के ऊपर ही हमारे देश की सरकार को लगभग 39% गवर्नमेंट का जो टोटल रेवेन्यू था वो उन फॉरेन डेट्स के इंटरेस्ट के अंदर उसका भुगतान किया जाता था. गवर्नमेंट का जो टोटल रेवेन्यू था उस रेवेन्यू का 39% या अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 40% जो टोटल रेवेन्यू था, रेवेन्यू का 40% पार्ट सिर्फ और सिर्फ डेट्स के जो हम कहते हैं इंटरेस्ट बनता है उस इंटरेस्ट के भुगतान में किया जा रहा था. इसके अलावा हमारे देश की जो GNP या GDP ग्रोथ रेट है वो 1.4% के लेवल तक गिर चुकी थी. हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बिल्कुल लोअर लेवल तक, हम कह सकते हैं बिल्कुल लोएस्ट लेवल के ऊपर पहुँच गया था. हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें सिर्फ और सिर्फ चंद हफ्तों का, हम कह सकते हैं जो इम्पोर्ट करते हैं उन इम्पोर्ट की पेमेंट करने लायक ही पैसा बचा हुआ था. हमारे देश का जो गोल्ड रिजर्व स्टॉक कहते हैं, विदेश हम कहते हैं स्वर्ण भंडार है, वो भी गिरवी रखने की कहीं ना कहीं नौबत आ गई थी उस समय. या फिर हम कह सकते हैं कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं काफ़ी गंभीर खतरे से जूझ रही थी. हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो चुकी थी, होने के कगार पर थी. अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल पटरी से उतरने के कगार पर थी. उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे श्री PV नरसिम्हा राव और हमारे देश के जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह. उस समय जितने भी हम कहते हैं फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं, फॉरेन फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या जितने भी हम कहते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, सभी का इंडायरेक्ट गवर्नमेंट को प्रेशर आने लगा कि आप अपने देश का जो आर्थिक ढांचा है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसमें कुछ रिवोल्यूशनरी चेंजेस कीजिए. तो 1991 के अंदर हमारे जो फाइनेंस, हम कहते हैं उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने डॉक्टर PV नरसिम्हा राव की लीडरशिप के अंदर देश के अंदर नई आर्थिक नीति की घोषणा की, कुछ आर्थिक सुधार किए जिन्हें हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. उस इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हम कहते हैं काफ़ी सारे चेंजेस किए गए. उस इकोनॉमिक पॉलिसी जो हम कहते हैं बनाई गई थी या नए आर्थिक सुधार किए गए थे, ये सुधार काफ़ी क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था की जो दिशा है और दशा और दिशा बिल्कुल ही बदल कर रख दी. उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर तीन मेन पिलर्स को हम स्टडी करते हैं. टोटल इकोनॉमिक रिफॉर्म जो थे उन सभी को हम कैटेगराइज करते हैं तीन मेन पिलर्स के रूप में, तीन मेन कॉन्सेप्ट्स के रूप में. दैट इज लिबरलाइजेशन, जिसे हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं सरलीकरण. सेकंड वन इज प्राइवेटाइजेशन, दैट इज निजीकरण. और थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन. दीज आर ऑल्सो नोन एज LPG रिफॉर्म्स. LPG मेन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, सरलीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण. ओके बेटा,
सबसे पहले हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन की। व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन को हिंदी में हम बोलते हैं सरलीकरण। इट मीन्स, इट रेफर्स टू अनशेकलिंग। अनशेकलिंग का मतलब क्या होता है? मुक्त करना। इट रेफर्स टू अनशेकलिंग द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को मुक्त करना। किस चीज से मुक्त करना? फ्रॉम द कोब वेब ऑफ ब्यूरोक्रेसी, फ्रॉम द कोब वेब ऑफ ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड मेकिंग इट मोर कंपिटिटिव। दैट मीन देश की अर्थव्यवस्था को अफसरशाही की ब्यूरोक्रेसी का मतलब कहते हैं, जैसे हम कहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स अंदर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स वगैरह होते हैं। उस समय क्या था, 1991 से पहले देश के अंदर हम कहते हैं कोई भी इंडिविजुअल है, उसे कोई भी उद्योग लगाना है, कोई भी फैक्ट्री लगानी है, तो गवर्नमेंट के हम कहते कुछ अलग अलग ऑफिस से परमिशन लेनी होती थी। इन ऑफिस के अंदर अलग अलग ऑफिसर होते थे। ये हम कह सकते हैं कि किसी भी फाइल को प्रोसीड करते ही नहीं थे, या हर फाइल को प्रोसीड करने के लिए कस्टमर से हम कहते हैं फिर जो बिजनेसमैन है इंडस्ट्रीस्ट है उनसे ब्राइब वगैरह डिमांड करते थे। तो एक फाइल की अप्रूवल के लिए भी किसी भी बिजनेसमैन को अलग अलग सरकारी दफ्तरों के काफ़ी सारे चक्कर लगाने होते थे। हर जगह सरकारी हम कहते हैं अफसरशाही का बोलबाला था, सरकार हम कहते हैं नेता राजनेता इनका इंटरफेरेंस तो था। तो नए आर्थिक सुधारों के तहत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को अफसरशाही के मकर जाल से मुक्त कर दिया। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो बिजनेस से कम कर दिया गया, जिससे कि जो हमारी इकोनॉमी है वो ज़्यादा हमारी ज़्यादा कंपिटिटिव हो सके, उसमें ज़्यादा प्रतिस्पर्धा के लेवल को इंक्रीज किया जा सके। ज़्यादा कंपिटिटिव होने का मतलब क्या है कि एक तो कोई भी बिजनेसमैन जब अगर कोई भी हम कहते हैं कोई फैक्ट्री लगा रहा है, पहले क्या था कि किसी भी फैक्ट्री को लगाने के लिए बिजनेसमैन को लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी। तो एक तो सरकार ने क्या कर दिया कि अब आपको लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो नीड ऑफ लाइसेंस। दैट मीन कुछ स्पेशल कैटेगरीज को छोड़ के, जैसे हम कहते हैं कोई आप एक्सप्लोजिव की फैक्ट्री लगा रहे हैं बारूद वगैरह की, या कुछ हम कहते हैं कोई केमिकल प्लांट लगा रहे हैं, तो कुछ एक सेक्टर्स को छोड़ के मैक्सिमम सेक्टर में से लाइसेंस के रिक्वायरमेंट को हटा जाएगा। पहले अगर कोई भी आप छोटे छोटे फैक्ट्री भी लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होता था। अब नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तहत सरकार ने लाइसेंस की रिक्वायरमेंट कुछ एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को छोड़ के मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया। इसके अलावा फ्रीडम इन डिटरमाइनिंग स्केल ऑफ बिजनेस, कोई भी बिजनेसमैन कितने भी बड़े स्केल के ऊपर अपने व्यापार का किस स्केल के ऊपर उसको बिजनेस करना है वो निर्धारित करने के लिए फ्री था। सरकार इसके अंदर किसी प्रकार का कोई दखल नहीं देगी। कोई भी बिजनेसमैन कितने बड़े स्केल पर उसको प्रोडक्शन करनी है, कितना ज्यादा माल बनाना है, कहाँ कहाँ में माल बेचना है, इस संबंध में सरकार उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी उद्योगपति अपने बिजनेस का स्केल निर्धारित करने के लिए बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा पहले क्या होता था बेटा कि अगर हम कहते हैं माल है एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जा रहा है, तो हर राज्य की बॉर्डर के ऊपर चुंगी नाके लगे होते थे,
जिसे हम बोलते हैं ऑक्ट्रॉय। तो कोई भी एक स्टेट से अगर माल दूसरे स्टेट के अंदर जा रहा है तो बहुत सारे कागजी कार्रवाई करनी होती थी, चुंगी वगैरह का भुगतान करना होता था। तो नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तहत कोई भी बिजनेसमैन किसी भी स्टेट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने माल आसानी से लेके जा सकता है, उस पर किसी प्रकार के कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, उसे किसी भी प्रकार की कोई भी एक्स्ट्रा टैक्सेस पे नहीं करने होंगे, वो बिल्कुल फ्री है माल कहीं पर भी माल का निर्माण करे और कहीं भी ले जाके उस माल को बेच सके। तो इसमें क्या है, सरकार ने माल के या सर्विसेज के आवागमन पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो भी माल को हम ले जाते हैं बेचने के लिए उनके ऊपर जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे उन सभी को ख़त्म कर लिया। इसके अलावा क्या था बेटा, एक टर्म होती थी प्राइस कंट्रोल। पहले कोई भी बिजनेसमैन है उसे सरकार के द्वारा निर्धारित कीमतों के ऊपर ही माल बेचना पड़ता था। 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उसके तहत सरकार ने कीमतों का जो के ऊपर से जो नियंत्रण था उसको खत्म कर लिया गया। इसके बाद क्या है, हर एक बिजनेसमैन फ्री है अपने हिसाब से मार्केट में डिमांड और सप्लाई की फोर्सेज क्या है उन बेसिस के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं वो खुद निर्धारित कर सकता था। सरकार उसके मामले में इस कीमत क्या, किसी प्रोडक्ट की उसके प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की कीमत क्या होगी, इस मामले में सरकार किसी प्रकार का कोई दखल नहीं देगी। इसके अंदर अलावा क्या क्या गया, पहले वस्तुओं के ऊपर गुड्स के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर सरकार के द्वारा जो टैक्स की रेट्स थी वो काफी ऊंची निर्धारित की हुई थी। पहले गवर्नमेंट ने टैक्स के लिए काफी टैक्स की काफ़ी हाई रेट सेट की थी प्रोडक्ट्स के ऊपर सर्विसेज के ऊपर। तो नई इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत जो भी गुड्स या सर्विसेज है उनके ऊपर टैक्स की दरों को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया। ओके बेटा, नेक्स्ट रिमूविंग अननेसेसरी कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। पहले क्या था कि कोई भी पहले गवर्नमेंट ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर है, कोई भी सेल टैक्स ऑफिसर है, बिना किसी वारंट के किसी भी बिजनेस फर्म के ऊपर छापा मार सकते थे, किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी फर्म में विजिट कर सकते थे, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स, बही खाते, बिल बुक्स वगैरह, स्टॉक वगैरह वेरीफाई चेक कर सकते थे। इसके बाद क्या, नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तहत सरकार ने बिजनेस में से अपना जो इंटरफेरेंस था वो बिल्कुल कम कर दिया गया। अब बिना वारंट के कोई भी इनकम टैक्स है, कोई भी सेल टैक्स ऑफिसर है, कोई भी टैक्स इंस्पेक्टर किसी भी फर्म में किसी भी इंडस्ट्री में छापा या वगैरह नहीं ला सकता, उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता था। इसके अलावा पहले क्या था, हमारे देश के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तहत ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रोसीजर था उसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया गया। सिंप्लीफाइंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। पहले कोई भी हम कहते हैं इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है, अगर दूसरे देश से माल मंगवा रहे हैं, दूसरे देशों के अंदर माल भेज रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती थी। तो उसकी वजह से क्या था कि किसी भी देश से माल मंगवाना क्या है, दूसरे देश में माल भेजना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता था। तो सरकार ने क्या किया, नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तहत इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर था उसे काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया। और एक इसके अंदर था कि रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रिजर्व सेक्टर्स, दैट मीन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रिजर्व सेक्टर टू 4। दैट मीन पहले लगभग देश के अंदर 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले 18-18 सेक्टर ऐसे थे जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस करने की परमिशन नहीं होती थी। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर सिर्फ एक सरकारी कंपनी होती थी, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। या फिर हम कहते हैं टेलीकॉम सेक्टर है जिसके अंदर सिर्फ एक
कंपनी थी कौन सी, भारत संचार निगम लिमिटेड, या फिर बैंकिंग सेक्टर है, या फिर हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर है। तो लगभग क्या है, देश के अंदर 18 सेक्टर ऐसे थे जिनके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट ही बिजनेस कर सकती थी, प्राइवेट सेक्टर को, एविएशन है हम कहते हैं, एयरलाइंस वगैरह है, जिनके अंदर प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस करना अलाउ नहीं होता था। तो 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तहत सरकार ने इन सेक्टर्स के अंदर भी हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर जो है उनको बिजनेस करने की परमिशन दे दी, कि ये जो हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो इन सेक्टर्स में बिजनेस कर सकते हैं। जैसे 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काफ़ी सारी कंपनी आ गई, जैसे आईसीआईसीआई लोमबार्ड है, बजाज अलायंस है। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर काफ़ी सारी कंपनी आई, जैसे हम कहते हैं आइडिया है, एयरटेल है, वोडाफोन है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर कई नए बैंक आए, HDFC है, कोटक महिंद्रा बैंक है। तो या फिर हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग जो हम कहते हैं इंडस्ट्री है, उसके अंदर काफ़ी सारे नए चैनल्स हुए, पहले सिर्फ एक दूरदर्शन होता था, उसके बाद काफ़ी सारे हम कहते हैं GTV है, स्टार प्लस है। तो बहुत सारे सेक्टर्स जहाँ पर पहले प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस करने की परमिशन नहीं थी, उन सेक्टर्स के अंदर भी हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर्स को बिजनेस करने की परमिशन मिल गई। सरकार ने केवल और केवल 4 सेक्टर्स को ही पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व रखा, दैट इज हम कह सकते हैं आर्मी। एक तो आर्मी के अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है वो खुद अपनी आर्मी नहीं रख सकता। एक होता था इसके अंदर इंडियन रेलवे, रेलवे के अंदर कंप्लीट गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था, कोई भी निजी व्यक्ति अपनी खुद की रेल नहीं चला सकता। एक होता है एटॉमिक एनर्जी, एक होता है एटॉमिक एनर्जी, यानी एटॉमिक एनर्जी से मतलब क्या होता है, हम कहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स है, या फिर हम कह सकते हैं कि क्रिएशन ऑफ पावर, हम कहते हैं बिजली पैदा करना, हम एटॉमिक एनर्जी के थ्रू एटम्स वगैरह, हम कहते हैं यूरेनियम वगैरह है, उनसे बिजली पैदा करना। तो एटॉमिक एनर्जी के सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं किया गया। और एक होता है स्पेस प्रोग्राम, जैसे हम कहते हैं कि हमारे देश की ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, जिससे हम सेटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं। तो इन 4 सेक्टर्स को पब्लिक सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट के लिए रखा गया, बाकी सभी सेक्टर्स के अंदर प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस करना अलाउ कर दिया गया। ओके बेटा, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके।